इलाके के बानाहाट थाना क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी धुबगुड़ी उत्तर पश्चिम मंडल व उत्तर पूर्व मंडल एवं उत्तर मंडल कमेटी के तत्वाधान में बानाहाट सांगठनिक ब्लॉक के विभिन्न विषयों को लेकर 12 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन पत्र सौंपी गई। उक्त विषय को लेकर बानाहाट 1 और 2 नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय एवं चामुर्ची ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रधान के उक्त विषय में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपी गई। इस कार्यक्रम में चामुर्ची के ग्राम पंचायत में सुजीत गुरुंग अमर लामा के तत्वाधान में बानाहाट 1 नंबर और 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके के भाजपा जिला एसटी मोर्चा के सभापति गुरन उराव एवं भाजपा श्रमिक संगठन मंडल सभापति जयराज विश्वकर्मा सहित भाजपा के महादेव महतो, संतोष प्रसाद, संजय चौधरी, सुरेश थापा, ओम प्रकाश नायक, तनिया उराव, पंचायत सदस्य संजीव नायक, विराज टोपो, विशाल खुजूर, भाजपा नेता जगदीश छेत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न ग्राम पंचायत इलाकों में 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। 12 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिए जाने व अन्य कई विषयों को लेकर भाजपा द्वारा बानाहाट भाजपा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित करके विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं। देखिए, सारे पश्चिम बंगाल में जहाँ भी पंचायती राज है, आज हर पंचायत को घेरने का कार्यक्रम था, डेपुटेशन देने का कार्यक्रम था, क्योंकि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ विभिन्न तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बानाहाट 1 ग्राम पंचायत और बानाहाट 2 ग्राम पंचायत में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही डेपुटेशन का प्रतिलिपि इस तरह से प्रारूप में हम लोगों ने वहां जमा किया और उनके द्वारा हम लोगों ने उनके समक्ष प्रधान, उप प्रधान और उनके जो भी डिग्निटरीज थे उनके सामने बैठ के अपना जो मुद्दा था लिखित रूप में उनको दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगले 7 दिन के अंदर उक्त विषयों को लेकर बैठ के उन लोग हमको, हमारे संगठन को लिखित जवाब देंगे। आप लोग का क्या क्या मुद्दा था? देखिए, आपको मालूम होगा ग्राम पंचायत में जो भी मुद्दे होते हैं वो जीपी लेवल में जितने भी डेवलपमेंट वर्क होता है, काम होता है, विभिन्न तरह का फंड का अलॉटमेंट होता है, विभिन्न तरह के कार्य का अलॉटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह के जितने भी काम को ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, इसमें धांधली को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। जैसा कि बानाहाट में उमेश खाल है, जिसको हम लोग हाथी नाला बोलते हैं, 10 करोड़ का फंडिंग होने के बावजूद भी वहाँ का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके फलस्वरूप बानाहाट हमेशा से अभी भी बाढ़ की चपेट में आता रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे और भी जितने भी योजना है, स्वास्थ्य बीमा का योजना है, वो जो यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वृद्धा भत्ता नहीं मिल पा रहा है, इस सब विषय को लेकर हम लोगों ने लिखित डेपुटेशन दिया और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाए, उसका समाधान किया जाए। देखिए, आज हमारे पश्चिम बंगाल के सभी जगह, सब ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 12 सूत्री डिमांड को लेकर एक डेपुटेशन दिया गया। इसके तहत हमारे यहाँ चमरची जीपी, बानाहाट 1 नंबर जीपी, बानाहाट 2 नंबर जीपी, यहाँ भी दिया गया डेपुटेशन, सफल कार्यक्रम रहा। ऑफिस की ओर से हमें आश्वासन दिया गया है कि अगले 7 दिन के भीतर में हमारे इस मांग के ऊपर में उन लोग विचार करेंगे। विशेष करके ये चमरची ग्राम पंचायत लगायत पश्चिम बंगाल का स्टेट वाइज राज्यव्यापी हम लोग का जीपी डेपुटेशन और एक घेराव का कर्मसूची था। ये राज्यव्यापी कर्मसूची था जिसमें अपना अपना जीपी वाइज लोकल इश्यूज प्रॉब्लम्स को लेके हम लोगों ने प्रधान जी को डेपुटेशन दिया। बहुत ही माने एक अच्छा वातावरण में हम लोग ने डेपुटेशन दिया, अच्छा हुआ। और हम लोग का डिमांड्स क्या रहेगा इसमें है कि ग्राम पंचायत एरिया में जितना जॉब कार्ड धारी है, प्रत्येक 25 पार्ट है चमरची ग्राम पंचायत का अंदर में, प्रत्येक जॉब कार्ड धारी को ही 100 दिन का काम मिलना चाहिए। और दूसरा हम लोग का दावी था कि ये जो माइग्रेंट लेबर जो बाहर बाहर कमा के जो अभी घर लौटे हैं उनको भी
नरेगा का माध्यम से 100 दिन का काम का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 का पैनाडेमिक में जो महामारी में सबका आर्थिक अवस्था खराब है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो करोड़ों रुपया राज्य सरकार का पंचायती व्यवस्था को दिया गया उसका कार्यान्वयन सही ढंग से हो और माइग्रेंट प्रवासी मजदूर को उसका हक मिले। और तीसरा दावी है पंचायती व्यवस्था का भीतर में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत योजना हो या पीने का पानी का समस्या हो या आपका 100 दिन का काम हो, जिसमें ये जो कट मनी चल रहा है, ये जो टीएमसी पार्टी का माध्यम में जो कट मनी चल रहा है उसको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। टोटल बंगाल में इसमें कोई अपवाद नहीं है, चमरचिंग ग्राम पंचायत टोटली। आपको यहाँ पर हम लोग का और एक मुद्दा है, हम लोग का ये डेपुटेशन का मुद्दा में एक बहुत ही अहम मुद्दा है, चमरची ग्राम पंचायत का अंदर लगायत ये जो पीएचई डिपार्टमेंट का अंदर में जो ये भाई भतीजावाद हुआ है, जो बल्ब ऑपरेटर और पाइपलाइन ऑपरेटर को लेके जो भाई भतीजावाद हुआ है, अपना अपना आदमी को देने का काम हुआ है। यहाँ पर प्रधान को भी हम लोग सवाल किया है कि आपका पति का किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहले भी इसका आगे भी डेपुटेशन दिया था कि इस चीज़ को आप लोग साम्य तरीका से, बेरोजगार सब है उसको एक तरीका से आपको ये कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और इसी आधार पे 100 दिन का काम हो, ISGP का काम हो, 60-40 का काम हो, अदर डेवलपिंग वर्क जितना भी हो, 25 पार्ट में समान रूप से समान तह से काम को बांटा जाए, जिसमें TMC BJP न देखा जाए, ये डिमांड है। और उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है, चमरची में जो सिंडिकेट राज का कारण से जो चमरची का सार्क रोड का बदहाली है, आपको मालूम है चमरची सार्क रोड का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा 40 टन से 50 टन का कैपेसिटी में गाड़ी चल रहा है, ओवरलोडेड गाड़ी चल रहा है। इसका आगे भी हम लोग डेपुटेशन दिया, थाना में भी दिया, यहाँ पर भी दिया, जिसका कारण से जो धूला का प्रॉब्लम सारा चमरची का अंदर में, आदमी कोरोना से तो मर ही रहा है उसका बाद में धूला से भी मर रहा है। तो इस चीज़ के लिए सार्क रोड का प्रबंधन हो, ओवरलोडेड गाड़ी न चले, और पंचायत का माध्यम से पानी का टैंकर का माध्यम से पानी का पटाने का काम इमीडिएटली होना चाहिए। और चौथा नंबर है चमरची फॉरेस्ट बस्ती चुना भट्टी का पुल का ऊपर दो पार्ट है, पार्ट नंबर 244, 245 और चमरची बगान में पानी का बहुत दशकों से दिक्कत है। प्रधान साहिबा को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है कि इसको इमीडिएटली एक PHE का कंस्ट्रक्शन का माध्यम से पानी का समस्या का समाधान हो। और हमारा और डिमांड है जितना भी 2018 से लेकर 2020 तक का सम्यव्याथी बेनिफिशियरी जितना भी लिस्ट है उसको पंचायत का प्रधान को सार्वजनिक करना पड़ेगा। और तीसरा है चमरची ग्राम पंचायत का माध्यम से व्हाइट पेपर इशू करना पड़ेगा, पब्लिकली नोटिस इशू करना पड़ेगा कि जो अम्फान साइक्लोन और आपका जो कोरोना कोविड-19 महामारी में प्रिवेंशन का लिए जो करोड़ों रुपया केंद्र का माध्यम से राज्य को आया, राज्य का माध्यम से विभिन्न पंचायत में आया, उसका मेंटेनेंस बेनिफिशियरी डिटेल्स को आपको पब्लिक करना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड का माध्यम से हम लोगों को जनाना पड़ेगा। और करोड़ों रुपया किसका है, आम गरीब आदमी का टैक्स से कटा हुआ पैसा है, तो हम लोग को पता चलना चाहिए ना कोविड-19 में कितना खर्चा हुआ, अम्फान में किस किस को पैसा मिला, कोविड-19 में किस किस को पैसा मिला, कितना खर्चा आया था, सबका जानकारी चाहिए। इसी के साथ में आज का बहुत ही सद्भावनापूर्ण हम लोग का ये डेपुटेशन का प्रोग्राम यही था, हम लोग का प्रोग्राम जो राज्यव्यापी हुआ। गोरन जी, आज का कार्यक्रम जो आप लोगों का हुआ डेपुटेशन का, क्या क्या मुद्दा था, क्या विषय था? आज का जो कार्यक्रम जो हुआ वो पूरा बंगाल में हमारा जितना भी पंचायत ऑफिस जो है, प्रत्येक पंचायत ऑफिस में डिपुटेशन दिया गया। यहाँ पर चोर गुंडा का राज बना के ममता जी ने जो रखा है पंचायत ऑफिस को, उसी का प्रतिवाद में हम लोग ने आज भेज दिया। आप देखिए जो बूढ़ा बुढ़िया है वो लोग का अभी तक पेंशन का लागू नहीं मिल रहा है, जो पेंशन का सुविधा पाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जो पीएमपी हाउस जो घर मिलता है वो घर 2022 तक में ख़त्म करने का जो रखा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है उसको भी अटका के रख दिया है। जब से पंचायत जीता है तब से अभी तक हमारे इस इलाके में अभी भी घर दिया नहीं है। दूसरे बात जो भी 100 दिन का जो जिसको काम मिलना चाहिए 100 दिन का वो अभी भी
आदमी देख देख के दिया जा रहा है, बीजेपी का है तो उसको नहीं मिलता है, टीएमसी का है तो उसको मिल रहा है। तो ये जो पक्षपात जो कर रहा है सरकार, इसके खिलाफ में आज पूरा उत्तर बंगाल में हमने डिपुटेशन दिया है और हमने बोला है कि ठीक है, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो 2021 में हम लोग अच्छे पूरी तरह से इनको हराने की तैयारी में हम लोग बीजेपी। जैसे कि आपने अभी बोले कि मतलब ग्राम हाँ कटमनी के तो कटमनी जब ले रहा है तो ये तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से तो कटमनी ही तो ले रहा है, चावल का कटमनी ले रहा है, जो काम कर रहा है उसका कटमनी ले रहा है, पीएम जी है उसको अभी तक जो नहीं मिला है उसका कटमनी ले रहा है, तो ये तो कटमनी ही तो है, ये तो चोरी मतलब करप्शन के खिलाफ में आप लोगों ने आज जो करप्शन जनप्रतिनिधि है उन लोगों के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ আজকে মানে ইনভিটেশন দিতে আসছিল, আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। অ্যাকসেপ্ট করার পরে মানে আমরা বললাম এখন তো অফিস ছুটি আছে, মানে পূজার পরে ওরা ওদেরকে আমরা রিটার্নে দিয়ে দেবো। একটা রায় বলতেছে কি মানে আমাদের যেমন ট্রেড ইউনিয়ন মেম্বার মানে সবারই একটা রেজলিউশন নেওয়ার পরে, ডিসিশন নেওয়ার পরে আমি দিছিলাম।